राधे राधे बच्चों, राधे राधे। तो रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके साथ हूं अमित कुमार श्रीवास्तव, और स्वागत है आपका एग्जाम साइट के यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट सब लोग आ जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही एक बढ़िया सेशन को। राधे राधे पवन जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे कृष्ण, मुंबई से आप हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सब लोग फटाफट जोड़िए सेशन को, ज्यादा से ज्यादा लोग आए सेशन में, और हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सेशन को। तो फटाफट सब लोग जुड़ जाइए एक बार। संदीप जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। ट्विंकल जी, राधे राधे बेटा, राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको प्रेजेंट देखकर कि आप क्लास का वेट कर रहे थे, आप सब लोग आए। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। और सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक सेशन को आप पढ़ते हैं, बहुत ही काबिले तारीफ बात। उम्मीद हमारी भी यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया बताएं और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर पाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझ में आए और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो। बिल्कुल ट्विंकल जी, आज आप टाइम पे आ गई, बहुत बढ़िया लग रहा है देखकर कि आप बिल्कुल समय से हैं। और ये आदत अगर आप लोग समय से आने की डाल लेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और हमको समय का बहुत ही जो है ध्यान से हर चीज करनी है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। खान सर, राधे राधे, राधे राधे। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग टाइम से हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। उम्मीद है कि सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आज का जो थॉट ऑफ द डे है, वो थॉट ऑफ द डे आपके सामने चल रहा है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो हमेशा विश्वास बनाए रखें और अपनी चीजों के लिए, अपने सपनों के लिए प्रयास करते रहें। होता यह है कि हम लोग प्लानिंग करते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। ये हम में से लगभग 99% लोगों के साथ लगता है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे व्हाटएवर जो भी हो, हम जो सोचते हैं वो हम कर नहीं पाते, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो सपने देखें, प्लानिंग बनाएं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करें, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर एग्जीक्यूशन अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया आप हर चीज को करने जाओगे। ठीक है, तो आप जो है अपनी चीजों पर अड़े रहें और लगे रहें। हम पूरे टीचर्स, हम सब आपके साथ हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। जी हाँ खान सर, मैं लाइव भी पढ़ाता हूं, और आप, बहुत दिनों बाद मुलाकात आपसे हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है मेरी। तो आपके फोन में कोई दिक्कत होगी, आप म्यूट कीजिए उसको, तो सही आवाज आने लगेगी और सबको लगभग सही आ रही है बेटा। और लोगों को अगर बैंक में, अगर साउंड में कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार फिर जरा बताइए, क्या और लोगों को भी दिक्कत आ रही है साउंड में? ट्विंकल जी, एक बार बताइए, क्या साउंड में दिक्कत आ रही है? मिनीत जी बताएं, क्या दिक्कत आ रही है साउंड में कोई? पूर्ति दिखाइए फटाफट। ओके खान सर, अपना फोन आप देखो, फोन में दिक्कत होगी आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये काफी मायने रखता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एमएसएमई से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट एमएसएमई, ये गलत लिखा हुआ है, एमएस होगा यहां पे बेटा, एमएसएमई, थोड़ा सा इसमें क्लर्कल मिस्टेक हो गई, एमएसएमई। तो इन विच स्टेट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड, यानी किस जगह जो है किस राज्य में एमएसएमई सेंटर एस्टैब्लिश किया जाना है, रिसेंटली ये बात हो रही है। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में जो है ये एस्टैब्लिश किया जाना है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए आपसे कि किस डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश होना है तो हो जाएगा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग, तो सिंधुदुर्ग जो है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पर ये बनाया जाना है। अब एमएसएमई मिनिस्टर कौन है और किस लिए एग्जाम में, किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बैंक के लिए, एसएससी के लिए, और जो बच्चे हमारा एग्जाम दे रहे जा रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट का, जो बच्चे हमारा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो बच्चे हमारे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट में ये लॉन्च किया जाना है, तो महाराष्ट्र, और किस डिस्ट्रिक्ट में, तो सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहां पे बनाया जाना है। अब इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि एमएसएमई, जो एमएसएमई मिनिस्टर है वो कौन है, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, मिनीत जी फटाफट कमेंट करके बताइए एमएसएमई मिनिस्टर कौन है इस समय, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, हु इज द एमएसएमई मिनिस्टर। मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया था कि एमएसएमई के बारे में नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो कौन है इस समय एमएसएमई मिनिस्टर, नारायण राणे, नारायण राणे जो है वो एमएसएमई मिनिस्टर हैं। अब एमएसएमई जो होता है इसकी कैटेगरी क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो माइक्रो में किन कंपनीज को रखा जाता है और मीडियम में किन कंपनीज को रखा जाएगा और स्मॉल में किन कंपनीज को रखा जाएगा। ध्यान रखिए माइक्रो में उन कंपनी को रखा जाता है जिनकी कॉस्टिंग और टर्नओवर, माइक्रो में आएंगे वो कंपनी जिनकी कॉस्टिंग 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़। मीडियम, अगर हम स्मॉल की बात करें तो स्मॉल और मीडियम ये 3 बनेंगे, तो मीडियम में कौन सी आएंगी और स्मॉल में कौन सी आएंगी, स्मॉल में आते हैं बेटा 10 करोड़ और 50 करोड़, यानी 10 करोड़ से कम कॉस्टिंग और 50 करोड़ से कम, और मीडियम में आएंगे 50 करोड़ कॉस्टिंग और 250 करोड़ टर्नओवर। अगर इतना हो रहा है तो आपका कंपनी माइक्रो मीडियम या स्मॉल में कंसीडर की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये कैटेगरी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये कैटेगरी आपको पता होने चाहिए। बस आप ध्यान रखना बेटा, 5 टाइम कर देना, मैं 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ और 10 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। ये नई स्लाइड आपके सामने ओपन होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच कंट्री ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ हाइड्रो पावर के लिए प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो आंसर इज नेपाल। अब बेटा आपको यहां बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे हमारे यूपी स्टेट लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। हालांकि मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है कि नेपाल को जो है इंडिया पैसा भी देता है, कई बार कई प्रोजेक्ट में पैसा फंडिंग करता है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, और दूसरा वहां पर हैंडपंप के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी इंडिया पैसा देता रहा है कई बार। तो नेपाल जो है हाइड्रो पावर के लिए बहुत ही फेमस है, कि इंडिया और नेपाल का एग्रीमेंट कई बार ऐसा हुआ है कि इंडिया ने अच्छे पेमेंट किए हैं इसको। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है, क्या हो जाएगा आंसर, नेपाल। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बन सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, यहां पर कई चीजें आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। ये क्वेश्चन उड़ीसा से आ रहा है, जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है, हेमनंदा बिस्वाल हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे वाज फॉर्मर सीएम ऑफ विच स्टेट। क्वेश्चन का कहना है कि हेमनंदा बिस्वाल जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो आंसर इज उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, निधन हो गया। और इनके बारे में खास बात बेटा क्या है, खास बात यह है ये पहले यानी कि फर्स्ट ट्राइबल सीएम थे, ये फर्स्ट ट्राइबल सीएम थे उड़ीसा के, ये खास बात है। फर्स्ट ट्राइबल सीएम यानी आदिवासी से जो है जनजाति से ही आए थे, तो फर्स्ट ट्राइबल सीएम थे जो बनाए गए थे। अच्छा, इस समय प्रेजेंट में उड़ीसा का सीएम कौन है, फटाफट बताइए कमेंट करके, इस समय उड़ीसा का सीएम कौन है, हु इज द सीएम ऑफ उड़ीसा, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, इस समय उड़ीसा का सीएम कौन है। फटाफट कमेंट करके बताएं कौन है उड़ीसा का सीएम। ट्विंकल जी बताइए, विनीत जी बताएं फटाफट कौन है इस समय सीएम। नवीन पटनायक बिल्कुल सही, सबसे पहले विनीत तुम्हारा ही जो है आंसर आया, मैं वेट कर रहा था आपके आंसर का। बिल्कुल सही बताया आपने, नवीन पटनायक। हाँ बिल्कुल सही बेटा, नवीन पटनायक जो है वहां के सीएम है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एसएससी के लिए, बैंक के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। लेकिन बेटा उड़ीसा जो है, उड़ीसा कई मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा से क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है,
यानी अगर आप कोई बेटा बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां का कल्चर जो है, उड़ीसा के कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा के कल्चर से। अच्छा, उड़ीसा में एक जगह है पुरी, आपने नाम सुना होगा, जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर जो है इसकी राजधानी है, और जो है आपका पुरी जी की यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी की, तो वहां पर एक कहावत है, कहावत नहीं, वहां कहावत तो नहीं कह सकते, ये कह सकते कि वहां की मान्यता है ऐसी कि वहां पर एक घटना घटी थी, बहुत बड़े ऐसे जो हिंदी के रहे हैं जिन्होंने डांस करके पूजा करना स्टार्ट किया था, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु को शायद आपने सुना हो। चैतन्य महाप्रभु, तो जो चैतन्य महाप्रभु है बेटा, राधे राधे बेटा, राधे राधे, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था, ये कई बार पूछा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था, क्या कोई बता सकता है, क्या कोई बता सकता है चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और इन्होंने डांस करके कीर्तन, हाँ एग्जैक्टली कीर्तन वर्ड याद है, कीर्तन जो है ना, ढोल मंजीरा गाते हैं हम लोग, बजाते हैं हम लोग ढोल मंजीरा बजाते हैं, तो कीर्तन जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्तन किसने स्टार्ट किया, तो जो कीर्तन है वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन जो है स्टार्ट किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था, कोई बताएगा कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन का क्या नाम था, फटाफट आंसर दीजिए, पूर्ति दिखाओ भाई, इतनी जो है सुस्ती से काम नहीं चलेगा, लेजीनेस नहीं, ये लेजी लेजी लम्हे वाला ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता यार, ठीक है। अब तो गर्मी आ गई, ठंड निकल रही धीमे धीमे, अभी भी सुस्ती आती है आपको, इनके बचपन का नाम क्या था आपको बता दें, इनके बचपन का नाम बेटा गौरंग, गौरंग नाम से फेमस थे, गौरंग, गौरंग। और बड़ा एक बढ़िया लाइने है गौरंग जी के बारे में, है ना, गौरंग जी के बारे में ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया पीसीएस में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये कि इनके बचपन का नाम क्या था, गौरंग। तो ये बहुत ही बढ़िया लाइने है, दो शब्द इनके बारे में कहते हैं कि जो रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ जी की निकलती रथ यात्रा निकलती है, बहुत बड़ी है रथ यात्रा, बहुत विशाल होती है, तो रथ यात्रा निकल रही थी, एक बार रथ यात्रा के जो पहिए हैं वो जाम हो गए, वो बढ़ नहीं रहे थे आगे, रथ रुक गया, रथ बढ़ नहीं रहा था, मतलब रथ जिसको लाखों लोग खींचते हैं, रथ बंद हो गया, बढ़ नहीं रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने अपने एक ही हाथ से रथ की रस्सी पकड़ी और रथ को आगे बढ़ा दिया, खींच दिया और रथ भागने लगा। तो उसी समय कुछ लोगों ने उनको नाम गौरंग दिया, और कहा जाता है कि रथ एक पग भी हिल ना पाया, रथ एक पग भी हिल ना पाया, खींचत है जब सब मिल संग, अब रथ कैसा दौड़ा भागे, स्वयं ठेलते हैं गौरंग। तो गौरंग जी ने अकेले ही रथ को जो है खींच दिया। तो बड़े ही कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, वाकई में इन्होंने भक्ति में शक्ति दिखाई लोगों को, तब से बहुत ज्यादा प्रख्यात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डिफेंस एक्साइज से आ रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे हमारे स्टेनो का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेनो के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ईएसआईसी के लिए भी ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ईएसआईसी के लिए, ठीक है, ईएसआईसी के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज नेम्ड एक्स धर्मा, एक्स धर्मा गार्डियन किस कंट्री के साथ इंडिया करता है, तो आंसर हो जाएगा जापान, जापान के साथ इंडिया इस एक्साइज को करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है धर्मा एक्साइज की है, तो आंसर हो जाएगा जापान के साथ की है, और बेटा कहां की है, कर्नाटका में की है, कर्नाटका में एक्साइज की गई है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक स्टेनो और ईएसआईसी के एग्जाम्स के लिए, तो बच्चे उनकी तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और नोट कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं ही काफी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। ये आपकी स्लाइड पे आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 जो इंडेक्स निकाला गया है, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, तो 43 रैंक है इंडिया की, ये ध्यान रखिएगा, 43 रैंक है इंडिया की। ठीक है, और टोटल जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक जो बेटा दी गई है, फर्स्ट रैंक है यूएसए की, यूएसए की फर्स्ट रैंक है जो दी गई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेटा बैंक एग्जाम के लिए, आरबीआई के लिए और एसएससी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा बेटा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज हुआ है, इसमें इंडिया को कौन सी रैंक पर रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा 43 रैंक पर रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस रैंक पे, इस इंडेक्स में पहले रैंक पर कौन सी कंट्री है, तो पहले रैंक पर यूएसए है। अब ये इंडेक्स बनाया क्यों जाता है बेटा, ये इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है हम पूरी दुनिया में क्या क्या हो, क्या इनको इकोनॉमिक्स, इको यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जॉब्स, कल्चर, इनको बढ़ाया जा सके, इनको इंप्रूव किया जा सके, इसलिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, डन, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी, तो अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। राधे राधे हमारा कोड होता है जिसके द्वारा आप हमें बताते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है आपको, तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो आप एक बार राधे राधे बोलकर मुझे बताएं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं अच्छे से। मूर्ति दिखाइए फटाफट, जल्दी बताइए, राधे राधे बेटा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये कई मायने में अपने में बहुत ही खास बात रखता है, तो ये क्या है या आप जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड एनजीओ डे, 27th Feb, यानी 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। ये क्वेश्चन बैंक, एसएससी, स्टेनो और स्टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए स्टैनो एग्जाम की अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन मनाया जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगर एसएससी की बात करें तब भी ये क्वेश्चन बेटा सिंपल ही आएगा, किस डे को हम एनजीओ डे के रूप में मनाते हैं, तो 27 फरवरी को मनाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम में आएगा तो ये कई फॉर्म में पूछा जा सकता है, जैसे
क्लर्क के एग्जाम में बात करें तो सिंपल आ सकता है कि ये कब बनाया जाता है, और अगर हम बात करें पीओ के एग्जाम के लिए या फिर आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए या आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के लिए तो पूछा जा सकता है एनजीओ। अच्छा, बहुत सारे हमारे ईश्वर नहीं जानते होंगे क्या होता है बेटा एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी बड़े एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा एनजीओ जो है ये किस एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, एनजीओ किस एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। फटाफट जरा कमेंट करके बताएं कि एनजीओ किस एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, एनजीओ को हम किस एक्ट में रजिस्टर्ड करते हैं, फटाफट बताएं कमेंट करके। कई बार मैंने आपको ये बता रखा है कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है, फटाफट एक बार बताएं कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में होता है ये फटाफट बताइए एक बार कमेंट करके। एनजीओ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बताया, जिनको नहीं पता है वो लिख लें, एनजीओ रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट में होता है। सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी एक्ट में एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। और बेटा बताया सोसाइटी एक्ट में जो है उन चीजों का रजिस्ट्रेशन होता है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी समाज के लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे फाउंडेशन कोई। हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही बताया आपने, ट्रस्ट भी हो सकता है, क्योंकि बेटा ट्रस्ट भी सोसाइटी एक्ट में ही होती है ना। तो ट्रस्ट भी हो, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, फाउंडेशन, ये सब एक ही चीज है। ओल्ड एज, ऑर्फन एज, ये सारी एक ही चीज होती है। जो चीज समाज कल्याण के लिए बनाई जाती है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते समाज कल्याण के लिए काम करते हैं उनको एनजीओ के नाम से जाना जाता है। एनजीओ कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे वृद्धावस्था आश्रम, अनाथालय है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए फाउंडेशन हो सकते हैं, यानी आप उसके माध्यम से कोई भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई मायने में ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई मायने में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने आ रहा है, और आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ रहा है साइंस डे के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है विच डे इज ऑब्जर्व एट अ नेशनल साइंस डे, आंसर इज 28th फेब। 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, और ये क्वेश्चन आपके आरबीआई असिस्टेंट में आ सकता है, स्टेट के एग्जाम में आ सकता है, और जो आप लोग कोल्ड का एग्जाम अगर कोई देता है, बहुत सारे कोल्ड के एग्जाम निकलते हैं, अगर आप लोग कोल्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी बड़े एग्जाम में अगर हम बात करें बैंक की, बैंक की, आरबीआई ग्रेड बी की, या फिर किसी दूसरे एग्जाम्स की, अगर उस एग्जाम्स की बात करें जो थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नेशनल साइंस डे किसके लिए मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सी वी रमन, सी वी रमन साहब जो हैं वैज्ञानिक थे, डॉक्टर सी वी रमन, इनके लिए ये मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, ठीक है बेटा, सी वी रमन, और इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है। जरा बताएं फटाफट कि इनको भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया गया था, भारत रत्न कब दिया गया था,
भारत रत्न का पुरस्कार इनको 1954 में दिया गया था, 1954 में। और नोबेल प्राइज जो है शायद मे बी इनको 1930 में दिया गया था, 1930 में। और भारत रत्न जो है वो इनको दिया गया था 1954 में। और इन्होंने जो किया क्या था, इन्होंने सी रमन इफेक्ट, बहुत फेमस है बेटा, रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट बोलते हैं, तो रमन इफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज रमन इफेक्ट? तो रमन इफेक्ट का मतलब ये होता है, इन्होंने बहुत बढ़िया खोज की थी जिसके बाद साइंस में एकदम से भूचाल आ गया था। एक ऐसी खोज जो मील का पत्थर साबित हुई। इन्होंने फोटॉन्स, आपने पढ़े होंगे कि प्रकाश जो होता है फोटॉन्स, कोई बताएगा फोटॉन क्या होता है? फोटॉन को बताइए भाई, फोटॉन क्या होता है फटाफट बताएं कमेंट करके, फोटॉन क्या होता है, फोटॉन क्या है बताएं, व्हाट इज फोटॉन? फोटॉन क्या होता है? फटाफट बताएं कमेंट करके, फोटॉन क्या है? फोटॉन पर इनका पूरा जो है रमन इफेक्ट था। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस रमन इफेक्ट को यूज करती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो रमन इफेक्ट को ना यूज करता हो, इतना इंपॉर्टेंट था रमन इफेक्ट, एक मील का पत्थर साबित हुआ था। बेटा फोटॉन का मतलब होता है प्रकाश, जो होता है ना लाइट, वो कुछ बंडलों के रूप में चलता है। उन बंडलों को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। जैसे कि ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, तो लाइट कुछ बंडलों के रूप में चलती है। उन बंडल्स को क्या बोला जाता है? फोटॉन बोला जाता है। ठीक है, जो प्रकाश है वो बंडलों के रूप में चलता है, उन बंडल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो रमन इफेक्ट में यह कहा गया था, इन्होंने यह बताया था कि अगर प्रकाश किसी से निकलता है, प्रकाश अगर कहीं पर भी टकराएगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो और चाहे वो गैस हो, अगर प्रकाश कहीं से भी निकलेगा तो प्रकाश अपने स्वरूप को, अपने नेचर को चेंज कर देगा, अपने नेचर को चेंज कर देगा। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं, तो प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने बताया था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है कई चीजों में, है ना। प्रकाश कहीं पड़ेगा तो वो अलग जाके बन जाएगा, अलग कई कलर्स के शो कर देगा। यानी प्रकाश जब भी किसी एक किसी से भी निकलेगा ठोस वगैरह से, तो क्या सॉलिड से जो है अगर निकाला जाएगा तो दूसरी दिशा में क्या होगा, उसके दूसरे साइड में वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे प्रिज्म होता है, आप लाइट माने तो कई कलर्स पे जो है डिवाइड हो जाता है। तो वो इन्होंने बताया था, उससे क्या होता है पता लग जाता है कि कोई चीज छिपी तो नहीं। आपने देखा होगा जैसे कि मेट्रो वगैरह में जाते हैं, आप स्कैनिंग करते हैं आपकी, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर इसी फोटॉन इफेक्ट का यूज होता है। जो स्कैनिंग करते हैं लाइट से पता लग जाता है कि कुछ है कि नहीं है अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक मील का पत्थर साबित हुई थी इनकी ये खोज, रमन इफेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये कोई सॉलिड रखा हुआ है, लाइट डाली आपने और ये डिवाइड हो गई, तो दिस इज द रमन इफेक्ट। ये रमन इफेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीएचएसएल हो और चाहे सीजीएल हो। और क्वेश्चन कह रहा है, भाषा सर्टिफिकेट
भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ये भाषा सर्टिफिकेट जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, एसएससी के लिए, स्टैनो के लिए, ईएसआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी में सबसे ज्यादा इसका रोल होगा, एसएससी में और ईएसआईसी के एग्जाम में। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है बेटा? एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर है इस समय धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इस समय क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो है सेल्फी कहां पे अपलोड होगी और कहां से सर्टिफिकेट मिलेगा आपको? तो संगम ऐप, ठीक है बेटा, संगम ऐप, संगम ऐप जो है, संगम ऐप पर ये अपलोड करनी होती है। और ये संगम ऐप जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही लॉन्च किया है। संगम ऐप भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च किया है संगम ऐप। उस पर आपको सेल्फी अपलोड करनी होगी तो आपको यह सर्टिफिकेट मिलेगा, भाषा सर्टिफिकेट, यानी कि अपनी लैंग्वेज। ये बहुभाषी, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ये उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, अपनी अपनी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब जरा हमारे एसएससी वाले बच्चे बच्चा बताएं कि जो हमारी भाषाएं हैं वो संविधान की किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में, यानी इन विच स्केड्यूल लैंग्वेज आर मेंशनड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी किस अनुसूची में भाषाओं को बताया गया है? फटाफट बताइए कमेंट करके, किस अनुसूची में भाषाओं को बताया गया है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? किस अनुसूची में रखा गया है? फटाफट बताएं जरा एक बार कमेंट करके। विनीत जी बिल्कुल सही बताया आपने, एट्थ अनुसूची ही है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, आठवीं अनुसूची। एट्थ स्केड्यूल, एट्थ स्केड्यूल में इसको रखा गया है, आठवीं अनुसूची में रखा गया है। और 22 लैंग्वेज बताई गई हैं, 22 भाषाओं को बताया गया है, ठीक है, 22 भाषाओं को बताया गया है, 22 लैंग्वेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है यहां पर, ठीक है बेटा। कितनी ये स्केड्यूल है? 22 भाषाओं को बताया गया है एट्थ शेड्यूल में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन बैंक में 110% पूछा जाने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को आने से, ये क्वेश्चन आना ही आना है 110%। तो जो बच्चे हमारे बैंक का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है, कोई भी रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को आने से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये बैंक में आना ही आना है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बैंक की प्रिपरेशन करने वालों के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है? बैंक और प्लस एसएससी। ऑपरेशन गंगा, क्योंकि आप भी जानते हो ऑपरेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा, गंगा नदी मत मान लेना सर, गंगा जी को ना मान लेना कि गंगा जी को पवित्र करने के लिए, गंगा जी तो खुद ही पवित्र है बेटा, ठीक है, वो तो सबको पवित्र कर देती हैं, गंगा जी की सफाई के लिए नहीं सोच लेना, वो नमामि गंगे है, गंगा जी की सफाई के लिए प्रोजेक्ट का नाम है नमामि गंगे, लेकिन ये कह रहा है ऑपरेशन गंगा। क्या हो जाएगा? रिटर्निंग ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, फटाफट आइए, फटाफट से आगे बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो फटाफट पूछिए आप, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कन्हैया जी, आप इंडियंस को लाने के लिए है, ठीक है, यूक्रेन में आप देख रहे हैं जिस तरीके से चल रही चीजें हैं, तो हमारे भारतीयों को बचाने के लिए, वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया है, भारत सरकार की तरफ से बहुत ही जबरदस्त कदम। और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट हमारे जो बाहर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनके लिए बहुत सारा काम करती रहती है, तो ये बहुत सराहनीय कदम गवर्नमेंट का। आज की क्लास के लिए इतना ही, और अब हम विदा लेते हैं आपसे, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी, तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, और टाइम से जरूर आएं, टाइम का विशेष ध्यान रखें, और बेकार के कमेंट पे अपना ध्यान न लगाएं इधर उधर के, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सही दिशा की ओर अग्रसर हो चुके हैं, और आपके साथ है आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम साइट। तो मिलते हैं कल ठीक 9 बजे कुछ नई करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।